कि तुम्हारे पप्पा तुम्हारी मम्मा से निकाह करके उन्हें हैदराबाद ले आए हैं। फिर आ गई तुम। तुम्हारे आने के बाद उन दोनों ने ये सोचा कि लाहौर जाके माफी मांगते हैं। जिंदगी ने मोहलत ही ना दी। ट्रेन का हादसा हो गया, कुछ पता ही नहीं। बाकी सिर्फ पानी चली की चली। क्या हुआ बीचान, क्या हुआ? आ जाओ दादू की गोदों में, आ जाओ ना होती तो दादी जो कब की मर गई होती है। दादी की चिड़िया, दादी का छोटा सा बंजर, दादी की बकरी, दादी की तितली। मम्मा के घर वाले बड़े बेइज्जत लोग थे। इतना बड़ा हादसा हो गया फिर भी वापस नहीं आए। भाई उस वक्त तो तुम्हारे नाना अब्बा ने खानदान के प्रेशर में आके निकाह करवा दिया, साथ ही आखनामा भी दे दिया। उसके बाद फिर मुड़ के देखा नहीं। को तो सुन के नफरत हो रही है। कितने जालिम थे मम्मा के घर वाले। लेकिन मम्मा ने शादी बड़ी फिल्मी की थी। हाँ पर ये भी ना सेम टू सेम ऐसे ही शादी करेगी मम्मा पापा की तरह। हे सेम टू सेम मम्मा पापा की तरह शादी करेगी तू? कसम से है इस उड़न दस्तरी के बारे में क्या ख्याल है? पुरानी माफ फिर है, इससे क्या करना? दादी माफ कर दो, सॉरी। रोमांटिक माँ बाप की रोमांटिक बिटिया। चलो अब हम देखें कि हमारे तहसीन के साथ क्या हो रहा है। अम्मी जी आप मेरी बात मान लें, ये जो विचोला है ना, ये ताशी मामू की फीलिंग्स को समझ रहा है फुटबॉल और उनके साथ लगातार खेल रहा है। तो तुझे क्या जरूरत थी वहाँ पे एम्मा वाटसन की तस्वीर दिखाने की? हाँ तो हमें शुरुआत किसने की थी? असली उम्मीदवार को छोड़ के वो मुझे गंदी गंदी नजरों से देख रहे थे, मैं देखने देता? तू भी तो बाफलाप हीरो की तरह बैठा हुआ था पोज बना के। वालदा हुजूर ये ताशी मामू के रिश्ते की नाकामी का बोझ आप बिल्लू चौधरी के कमजोर कांधों पे मत डालें, बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने कुछ नहीं किया। ओ यार तू चुप करके गाड़ी नहीं चला सकता? मामू आप बताएं यार मेरा क्या कसूर है? कसूर तो मेरी ठंडी किस्मत का है। हाँ जैसे दिल से मोहब्बत की थी सारे खानदान वालों के सामने रिजेक्ट कर दिया मुझे उसने। नाम मत ले उस मनुष्य का, ये सारी नुसरत उसी की फैलाई हुई है। खुद तो पसंद की शादी करके मजे उड़ा रही है, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। अम्मी वो लोगों को जा के मना कर रही है कि ना भाई ना ताशी के साथ शादी मत करना, ये बंदा ठीक नहीं है। बकवास बंद कर, मैं जुत्ती ला लेनी चित्रौल शुरू कर लेनी थी। अम्मा बता रहा हूँ शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ प्यारी परी से करूंगा बस। कमबख्त तेरे सर पे दो झटके मार के ना मैं तेरा ये बुखार तो उतारू परी शरी की मोहब्बत का। ना अम्मा ना, मेरी मोहब्बत के तूफान को कम से कम तुम्हारा ये झाड़ू तो नहीं रोक पाएगा। नीचे उतर झाड़ू मार के बताओ। अरे अम्मा ये तो बता दो आखिर प्यारी परी में बुराई क्या है? बुराई ये है कि उसकी दादी ने पूरे महल्ले में मशहूर कर रखा है कि तेरे दादा उसे देख के जवानी में सीटियां मारा करते थे। तो मारते होंगे ना सीटियां, मर गए ना वो और मैं मर गया उनकी प्यारी सी पोती के ऊपर। तू ठहर जा जरा, तू ठहर नीचे उतर, आज तो मैं तेरे सर से ना ये इस खन्नास निकाल के दम लूंगी। उतर जरा नीचे तू। अम्मा मैं बता रहा हूँ मैं नहीं उतरूंगा जब तक मैं प्यारी परी से और उसकी दादी से माफी नहीं मांग लेता तुम्हारी बदतमीजियों की। ठीक है फिर टंगा रहे तू, सारा दिन टंगा रहे। जाओ सुबह तक नहीं उतरने वाला अम्मा सुन लो। और किसने कहा था मेरा नाम शारू रखने को जब ये सब कुछ नहीं करने के लिए देना था तो? ए, 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 अरे लानत हो जो मैंने तेरा नाम शारू रखा। तू नीचे आ, अम्मा, नीचे क्या, आ क्या, क्या, क्या? तेरा सर फाड़ दूंगी, बाप पड़े अस्पताल में और कमबख्त को अश की माशूकी पड़ी भी है, गंदी औलाद। शुक्र है भाई। यार मुख्तार तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, छोड़ दो, तुम्हारी खाला जाद बहन है तो हमारी भी बहन है। हेलो मुख्तार या गल बद गई है, 10 दिन से वो इधर खजल हो रही है तो तू मुझे आज बता रहा है? वो 1 महीना क्या यार 1 साल रहे उनका अपना घर है। हा कोई बात नहीं, रब राखा
सब खैर है, क्या हो गया जी चाचा जी मुख्तार? ओ यार उसकी को खाला दाद बहन हैदराबाद दक्कन से इधर पाकिस्तान आई हुई है, ये बच्ची के कोई रिश्ते विश्ते की बात करने, तो वो लड़के ने आना था अमेरिका से, वो पूरा महीना लेट हो गया। अब्बा जी एक महीना वो यही रहेंगे हमारे घर? वो जाहिर है यार, वो मेरा बचपन का बेली है, इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। नाले पुत, ये दिल तो हमारे एक ही है। हाँ वो तो ठीक है मामा जी, पर जवान लड़कों का कार है, खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच ना हो जाए ना। और पुत घबराओ ना, चौधरियों की आल औलाद में और कुछ हो ना हो, ये हमें खाम खा की फूफा और गैरत जरूर होती है। घर आए हुए मेहमान को इज्जत समझते हैं अपनी। जितने जोर से मेरे ब्रो ने हॉर्न बजाया ना, लगता रिश्ता रिफ्यूज हो गया। सदके जावा तेरिया अंग्रेजियां तो, ब्रो कहता है तो चस आ जाती है दादे को। बस मामा जी चस ही आती है, सुर सुआद के कोई नंबर नहीं आते उसके अंग्रेजी में। चलो पुत्र कुछ ना कुछ आंदा ही है ना, जानदा ते नहीं ना। उए, 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 मामा जी पाइन मुझे तो लगता है जिस तरह इसका कोट और मुंह उतरा हुआ है ना, इसका फिर से इनकार हो गया रिश्ते से। हाँ खुदा ना खास्ता हो गया जी इनकार। इनकार हो गया, लो जी फिर इनकार हो गया, पर इस बार तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ी थी बिचोले ने। है अब क्या मौत पड़ी है लड़की वालों को, उनको ताशी के बजाय बिल्लू पसंद आ गए। बटर ट्विस्ट, मेरा ब्रो है इतना अच्छा, हर किसी को पसंद आ जाता है। ब्रो चुप कर, पेड़ मार। मम्मी शक्ल से बोला हूँ, अंदर साग का गोला हूँ। तो इसे साथ लेकर क्यों गए थे? ताकि इनकार हो सके बस। आप सारे लोग जो खाद के ट्राले के पीछे चले गए थे, तो फिर मैं क्या करती, किसको लेके जाती? चलो फिर पूछ तो, जब गुलाब जामुन पड़ा हो तो मेसू को हाथ किसने डालने? चल मेसू पोत, अपना ताशी पोत, घबरा ना, किस्मत में हुआ तो एकदम तेरा रिश्ता हो जाना है, जिवें किस्मत में हो तो एकदम एक्सीडेंट नहीं हो जाता। हमेशा किस्मत की वजह से तो आ रहा हूँ मैं, वरना लड़की की माँ मुझे देख के मुस्कुराई भी थी। हाँ ओहो भाई, चल दिल पे ना ले, कोई बात नहीं, घबराना, मैं ना मटर पुलाव बना रही हूँ। हैं चल छब्बो जाके मटर पुलाव चढ़ा, दम मैं खुद आके लगाऊंगी। हाँ सारे मुश्किल काम कर के ये मेरी बेटी करती है। क्या करूँ ताऊ जी, कच्चे चावलों को दम लगा देती हमेशा। आहो पुत्र, चावलों को दम लगाना और लेंटर डालना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी दादी, दादी क्या हुआ? पर बहुत परेशान है। परी की वजह से परेशान है ना? क्यों कर रही है परी की शादी? परी भी नहीं रह सकती दादी के बगैर। अरे हटो भाई ऐसे चिमटो मत, पहली तहसीन बहुत बीमार है, अस्पताल में पड़ा है, हमसे तो अगला सफर नहीं पलटा जा रहा, दिल घबरा रहा है, चल पाएंगे बाहर भी, जाओ बस जाओ। बाहर सोने से ना तहसीन बच नहीं जाएगा। How very insensitive of you. किस कदर संदिल लड़की हो, परियों जैसी कोई बात ही नहीं तुम में है। चलो जाओ बाहर जाके चारपाई बचाओ, जिस घबरा रहा है हमारा। चलो मैं सुलवाएंगी। याल्ला तहसीन की मदद फरमाना। What is this, Emaji? This is not right. This is actually not right. हमने आपको अपने दिल में बसाया, आपकी फोटो को अपनी दीवार पे चिपकाया, बदले में आपने अपने ऑफिशियल अकाउंट से मेरी तीसरी आईडी को भी ब्लॉक कर दिया, कसूर क्या है मेरा? प्यार करते हैं आपसे, अगर आई लव यू लिखी दिया है तो आपने ब्लॉक कर दिया,
मोहब्बत के इजहार की ये सजा दिया आपने, बड़े ओए बंटी कदरा बता ही नहीं, हीरो नहीं लगता मैं? बिल्कुल बिल्कुल लगते हैं ये हीरो, अगर अंधेरे में कोई चश्मा उतार के देखे। बकवास करने का नहीं कहा, तुझसे सवाल का जवाब मांगा है, ये बता तेरे बिल्लू ब्रो के पूरे टेंट्रम है या नहीं, बता बता ही नहीं। हाथ पहले टूटा हुआ कान आप तोड़ दे अब। छोड़ ये देख कैसी जबरदस्त जोड़ी है ना, मेरी और इनकी शादी में तो सलवाला बना कितना क्यूट लगेगा ना, नहीं शादी ये करेंगी आपसे, दिमाग पे कुछ चोट तो नहीं लग गई? और बंटी के बच्चे मुझ में कुछ फॉल्ट है क्या? ताया अब्बा कह रहे तो बस आपकी वायरिंग चली गई। खैर वायरिंग को छोड़ें, ये आज उतर जाएगा, उतरवाने चले। फोन निकाल जरा अपना, इमा जी का फेसबुक पेज खोल ऑफिशियल। कोई बात नहीं, हम तो अभी भी इनसे प्यार करते हैं ना, क्या हो गया जो उन्होंने ब्लॉक कर दिया? लिख दे बिल्लू लव्स यू स्टिल। कहीं ऐसा ना हो मेरी डीपी देख के इंप्रेस हो जाए, फिर क्या होगा? फिर तेरे मुंह पे पड़ेंगी चपेड़े। जितना तू जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के अंदर भी है। और बात सुन मेरी, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है तू? बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, जो बड़ी बड़ी जूतियां पड़ी है ना, बहुत दर्द होता है, जल्दी से बेडशीट निकाल दे पेटी में से। आए यार होशियारपुरियों के बच्चे हैं यार बंटी, अब हमारा यही काम रह गया है कि पेटियों में से बिस्तरे निकालें, कोई और काम नहीं है हमें। तैयारी से लग रहा था कोई खास मेहमान आ रहे हैं। बड़े अब्बा मैं तो कुछ भी बनाती हूँ ना घर में, मुझे यही होता है कि सबसे पहले आपके लिए लेकर आऊं। ताशी मतंजन लाई है पारो। आप ही खा लें, मेरी तो फीलिंग से पहले ही मतंजन बना हुआ है। क्या बना आपके रिश्ते का? वही जो हमेशा बनता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इंसान ना अपनी किस्मत खुद बनाता है ना बड़े अब्बा? थोड़ा आप भी हाथ पांव हिला लें तो कुछ हो ही जाएगा। क्या हाथ पांव हिलाऊं जब आपकी किस्मत की डोरी किसी और ने पकड़ी हो तो? हम क्या मछेरे हैं, हमने डोर पकड़ी हुई है। छोड़े ताऊ जी, पता नहीं क्यों सड़े हुए कद्दू की तरह मुंह बना के फिर रहे, हुआ क्या है? रिश्ते को इनकार हुआ ना, तो फिर क्या हुआ? कोई पहली बार ही हुआ है। इसको देख कितनी सबर वाली है, कितने रिश्ते इसके भी गए हैं। किसी दिन मेरा सबर ही गिरेगा कुछ लोगों का। ये तुम मेरी तरफ देख के क्यों बोल रही हो? ले जी सुन ले, अब तो इनको मेरा देखना भी गुनाह लगने लगा है। भाई वाह भाई वाह, बिल्कुल ठीक कह रही है बड़ी आप ही आप, मुंह फुला के खड़े हैं। शक्ल देखे इनकी बड़ी अब्बा, मैं जा रही हूँ भैया। हाँ खैर रे, ठहर जा। मैं शब्बो से कह के तुझे मजेदार सी दूध पत्ती पिलाती हूँ लाची वाली, बैठ जा। नहीं बड़ी आप ही, मैं तो आपके लिए आ जाती हूँ इस घर में। इनको पिलाइए ना तुख मलंगा, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है इनका। ओ ताशी छोड़ सारी बातें, ये एक इश्तेहार तो दे अखबार में, चौधरी गुड्स ट्रांसपोर्ट स्पेशल पैकेज के साथ। बड़े अब्बा एक इश्तेहार ना जरूरत है रिश्ता का भी दे दें, शायद इनकी किस्मत के दरवाजे ही खुल जाएं। ये ताशी चला गया? हाँ जी चला गया, पता नहीं क्या हुआ नासे फुलाए घूम रहा सुबह से। तू बता पारो कब आ रहे हैं चाचा रमजान? 2-3 दिन में आ जाएंगे। अच्छा बड़ी आप ही, बड़े अब्बा खुदा हाफिज, मैं जाती हूँ। चली गई। ये रमजान पता नहीं क्या सोच रहा है, शादी निकाल रहा इस बच्ची की। हाँ इस बेचारी की किस्मत भी ना मेरे ताशी की तरह ठंडी है। किस्मत ठंडी है तो किसी बर्फ वाले से कर दे शादी। आप भी ना इतना मजेदार है ना, इसमें मजा आ गया। क्या परेशानी है तुम्हें? इस वक्त भी तुम बंदरों की तरह लटके हो। परी एक मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लो। क्या बात करनी है? पहलू पड़ताओ, बहुत जरूरी बात है। हाँ
तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ यहाँ पर। अगर तुम यहाँ से गिर गए ना तो तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा जो बाद में तुम्हारी अम्मा लगाएंगी आंखों में। प्लीज मुझे माफ कर दो। छोड़ो। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। अभी बड़ी जिंदगी भर खुश रखूंगा, दादी जान को भी खुश रखूंगा और चांद तारा को भी खुश रखूंगा। पहले अपनी अम्मा को तो खुश रखो जो सारे मोहल्ले के सामने तुम्हें हर वक्त कोसती रहती है। प्यारी परी, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना यहीं से कूद के जान दे दूंगा। परी की भला से शाहरुख तो वापस नहीं आया। दादी, क्या हुआ? दादी, शाहरुख का कत्ल हो गया। ऊपर कहीं ना तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने धक्का दिया तो वो गिर गया। लाश का सहन में शाहरुख के सहन में। शाहरुख की लाश पे दादी सारी जिंदगी मुझे ना चक्की बीजनी पड़ेगी। नहीं चक्की नहीं बीजनी। रोने दो। दादी कुछ करे। दादी मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी मैं मम्मा पापा की आखिरी निशानी ना भी मुझे बता लो। दादी रोने दो। वे खोटे सिक्के, ये 3 idiots नाम का व्हाट्सएप ग्रुप तूने क्यों बनाया? ये ताकि हम दोनों ताशी मामू की हेल्प कर सके। बात सुन, ये खवातीन कौन है जिनके फेसबुक के लिंक शेयर किए हैं तूने? फेसबुक के जिन जिन के नाम क्या के चौधरी लिखा हुआ था, बेवा, मैरिड, अनमैरिड, सारी मैंने उस ग्रुप में भेजनी अलग करके। उससे क्या होगा? अब शुरू होगा ना असली मुकाबला, कौन बनेगी ताशी की दुल्हनिया। इतनी जहानत तूने अपनी स्टडीज में दिखाई होती ना तो शुतर मुर्गी तरह पिछले 2 साल से एक ही क्लास में गर्दन निकाल के ना बैठा होता। हमारे घर के अंदर एप्रिसिएशन नाम का कोई लफ्ज है? नहीं है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई एम डिसअपॉइंटेड टू। यो मामू ऑन द फ्लोर, ये छुप छुप के किस हसीना की तस्वीर देख रहे हैं? दिखाओ ना। छोड़ ना यार, ऐसे ही दुखी वाला बटन दबा हुआ है। सुत छोड़े यार, इस बटन को दिखाएंगे, इसकी तस्वीर देख रहे हैं। दिखाएं। देख, तेरी फुफो से बात 26 साल पहले रिजेक्ट करके चली गई थी मुझे, तब से रिजेक्शन की फील लिए जा रहा हूँ। तुझे पता है इलाके के एक मामूली से कंपाउंडर के साथ इश्क हो गया था उसको। कितना मुडियोकर किस्म का प्यार है कंपाउंडर के साथ। आपके कंपैरिजन में कम से कम कोई डॉक्टर या सर्जन होता तो बात बनती। आप हमें परेशान हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। कुछ अरसे की चाहत के पीछे मेरे सालों की मोहब्बत का अचार डाल दिया इसने। छोड़े ही आ रहे हैं, इसीलिए आप सुबह दोपहर शाम सोग में रहते हैं। अब्बू को तब चढ़ी रहती है आप पे। ओ यार, शाकिर पायन की चहती थी ये, इसी बात का गुस्सा उतार दे मुझ पे।
उन्हें लगता है मेरी वजह से रिश्ता टूट गया है उनका अपनी बहन से। यार अब आप इस बात को छोड़ेंगे मामू? अच्छा मेरी बात सुने, मैं शोभी और मेरे सम फ्रेंड्स आज पार्टी का सीन फुल ऑन है, चले ना आप मेरे साथ। आए कपड़े चेंज करें, आए। मैं नहीं जा रहा यार। यार मैं नहीं जा रहा यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है यार, तू जा ना, छोड़। अच्छा सुने, मुझे आने में जरा देर हो जाएगी, रात को दरवाजा तो खोल देंगे ना? खोल दूंगा। थैंक यू। चले ठीक है आप आ जाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। जी जी, ओके ओके। यार ब्रो कहाँ रह गया ये तेरा प्रोड्यूसर? भाई उसे वो ब्राइड नहीं मिल रही। ब्राइड? कैब पे आ रहा है? हाँ। गाड़ी नहीं है उसके पास? नहीं गाड़ी तो नहीं है। वो ये कौन सा प्रोड्यूसर है जिसके पास गाड़ी नहीं है? भाई मूवी बनाएगा, पैसे कमाएगा, ले लेगा गाड़ी। ओ भाई मूवी बनाने के लिए तो पैसे लगाएगा कि नहीं लगाएगा फिर पैसे कमाएगा? ये रॉन्ग नंबर है, छोड़ इसे, दफा कर, चल चल घर चले। ओ यार देख दो मिनट रुक जा, वो प्रोड्यूसर है, उस बड़ी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिली, एज अ हीरो मुझे डेब्यू करवा रहे हैं। यो ब्रो हमें नहीं चाहिए ऐसा सस्ता लो बजट डेब्यू, मैं दादा जान से बात करूंगा, वो तेरी फिल्म पे पैसा लगाएंगे, 11 गाने डालेंगे, 11 खुल के डांस करी, शौकीन डांसर, और सुन टर्किश हीरोइन लेंगे पक्का, चल आ जा। उठी यार, यार मेरी बात, मैं आई प्रॉमिस हम बनाएंगे तेरी फिल्म, चल आ जा आज। ये तो रात के इस वक्त इसको क्या मसला है? हेलो कहाँ हो? जीप नहीं नजर आ रही तुम्हारी। क्यों? और तुम कोई उल्लुओं के खानदान से हो? क्योंकि इस वक्त तो उल्लू ही जागते हैं। ऐसी भी बात नहीं है, मोहब्बत करने वाले भी तो जाग सकते हैं। तोबा तोबा, मुझे ये तो बताओ आखिर ये कौन सी कंपनी है जिसका तुम इतना सस्ता तरीन नशा करती हो? अस्तगफिरुल्लाह मुझे बस नींद नहीं आ रही थी। एक काम करो, इसी अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह 500 दफा करो, नींद आ जाएगी। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है तुमसे बात करने का। अब मैंने बात करनी थी तुमसे। यार रात के इस वक्त तुम्हारा मुझसे कौन सी बात करना बनता है, कुछ खुदा का खौफ करो यार। क्या खौफ? यूनिवर्सिटी तुम नहीं आ रहे, घर तुम्हारा चिड़ियाघर बना होता है तो कहाँ बात करूँ बताओ। तुम एक काम करो, चाचा के डंगरा हॉस्पिटल जाओ, वो तुम्हें दवाई देंगे, मैं लिख के देता हूँ तुम्हें, फाका होगा और नींद भी आ जाएगी। अब मैं फोन रख रहा हूँ, खुदा हाफिज। कब तक मेरी मोहब्बत से भागोगे चौधरी बिलाल? चले खाला जी स्टेशन आ गया। हरी आप, हरी आप। अरे खाला आपने बकाया पैसे तो लेते जाइए, आप तो ऐसे भागी जा रही हैं जैसे खुदा ना खासा कोई कत्ल करके आई हो। मेंटल हो गए हो हैं? हम तो किसी का मर्डर करेंगे हैं? हम कोई क्रिमिनल नजर आते हैं तुम्हें? आई वाज द ऑनरेबल प्रिंसिपल ऑफ हैदराबाद गर्ल्स हाई स्कूल। ठीक है उस्तानी साहिबा, पर बकाया तो ले लें। नहीं नहीं रख लो। ठीक है शुक्रिया। हरियाप दादी ले लेती ना बकाया पैसे। दादी दादी मोहल्ले में तो अब तक सबको पता चल गया होगा कि परी ने धक्का दिया था शाहरुख को। ऐसा करो यहाँ रेलवे स्टेशन की मस्जिद है, वहाँ जाओ और जाके ऐलान करवाओ लाउड स्पीकर पर
के तुमसे मर्डर हो गया है ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता चल जाए। हैं? बात की थी परी ने तुझसे। भूल जाओ अब, भूल जाओ, खामोश हो जाओ। दादी कैसे भूल जाए परी, उसकी ना बातें बार बार याद आ रही है परी को। गुड लॉर्ड, तुम तो फिर शुरू हो गई भाई। अच्छा सॉरी सॉरी, अब ये भी शुरू हो गए। दादी परी के चंदा तारा को कुछ मत कह, ये तो पता भी नहीं है कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए ये लोग। हमारी तो जान खतरे में है चंदा तारा। अच्छा आप खामोश हो जाओ ना, खामोश हो जाओ, बस बस दुआ करो ट्रेन आ जाए बस। चंदा तारा दुआ करो शाहरुख की ना मगफिरत हो जाए, बेचारा भरी जवानी में कत्ल हो गया। ताऊ जी, इन मेहमानों के चक्कर में आप सवेरे सवेरे उठ के बैठ गए। ओ पुत परे कर मेहमानों को, इस वक्त मेरी अपनी दिल की धड़कने तेज हुई हुई है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पुत्र, हार्ट बीट तेज होना एक बीमारी है। क्या मतलब है बाबा, यू मीन पल्पिटेशन? यस। हाय मैं मार के, मैं शाकर साहब को उठाती हूँ। और ठहर जा ताऊ जी, आपको अस्पताल लेके जाएंगे ना, अल्लाह रहम करे, दिल का मामला है। ओ पुत्र वो बेचारा सारी रात का खजल हो रहा है, वो सियालकोट वाली पार्टी के पीछे, ये गाड़ियों का काम जो है ये बड़ा डाडा है। अच्छा तो मैं सावर को बुला के लाती हूँ। नहीं पुत्र, रहन दे उस डंगर डॉक्टर को, एवं अपनी डॉक्टरी चालनी शुरू कर देता है। तू फिक्र ना कर, मैं जगाता हूँ बिल्लू को। होली होली चले, अल्लाह रहम करे। अल्लाह खैर करे। हाय सही, पता नहीं क्या हो जाएगा, अल्लाह में खैर। कौन? रिश्ते में तो तुम्हारे बाप के बाप लगते हैं, और नाम है चौधरी दिलदार होशियारपुरी। ये कोई तरीका किसी शरीफ आदमी को उठाने का? ये बताए, ये अंग्रेज माँ कौन है तेरी? माँ अब्बू को ऐसी बीवी की आमद तक नहीं मिल सकती। हाँ सही कह रहे हो, वो तो 250 रुपया डाई पे नहीं खर्चता तो इसका खर्चा कैसे उठाएगा। शी इज वेरी मॉडर्न। अंग्रेजी फिल्मों में आती है, है? आपके बिल्लू चौधरी की पसंद है, नाम है एमा वाटसन। इसके बाप का क्या नाम है? बाप का नाम है इसका चौधरी वाटसन रंधावा। यानी अंग्रेजों में भी चौधरी होते हैं? चौधरी कहाँ नहीं होते, आप बताएं मुझे, बस देखने वाली आंख चाहिए, बिल्लू ने देख लिया। हाँ सही कह रहे हो, मैंने सुना है इंग्लैंड में भी पालक बिकती है। अन्नी पड़ी हुई है, शॉर्टेज है आजकल। चल छोड़ इसके शजरा नसब को, गड्डी निकाल जरा, क्लिनिक जाना है, हार्ट बीट गड़बड़ कर रही है। ये आजकल आपकी हार्ट बीट बार बार गड़बड़ नहीं कर रही? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, इश्क विश्क के चक्कर में कह रहा हूँ। आपके बिल्लू का आपके बारे में ऐसा ख्याल हो सकता है भला? आपकी शक्ल पे साफ लिखा हुआ। तो फिर तू ही अकल कर, निकाल गड्डी जरा, डॉक्टर सलमा की तरफ जाना है। वैसे यार बिल्लू, कुड़ी सोनी है यार, तुम्हारे साथ जोड़ बनता है, अपनी बरादरी की निकल आए तो। निकल आए क्या मतलब दादा जान, बता तो रहा हूँ आपको, चौधरी है, सुचल चौधरी। यार इसका नाम क्यों अंग्रेजों वाला है? मॉडर्न एडवांस चौधरी है, इंग्लैंड में रहते हैं, अब नाम और क्या रखेंगे।
अच्छा जी मॉडर्न चौधरी यानी जीन की तोतिया। दादी ये तो हैदराबाद के मोहल्ले से भी ना थका हुआ इलाका है। गेल की चक्की के बारे में सोचो, फिर वो जमीन लगने लगेगा। अरे दादी पर ये है किसका घर? हमारे फर्स्ट कजन भाई मुश्ताक का घर है। तो क्या हम यहाँ पे रहेंगे अब? नहीं नहीं, आप हमें ऑर्डर कीजिएगा, हम गवर्नमेंट से इजाजत लेकर शाही से लेकर तहखाने में आपको ट्रांसफर कर देंगे। यार दादी हर वक्त आने देती रहती है परी को, और कत्ल ना आपके हाथों से भी हो सकता था। अब कत्ल कत्ल की गर्दान करोगे तो यहीं से जेल पहुंचा दी जाऊंगी। हल जी, गेस्ट होंगे आप, मुश्ताक भाई का घर है ना ये, हमारे फर्स्ट कजन है जी। घर तो यही है, लेकिन वो 2 साल पहले यहाँ से बालाकोट शिफ्ट हो गए थे अपने बेटे की पोस्टिंग की वजह से। ओके, आपके पास उनका एड्रेस तो होगा? एड्रेस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन उनका एक पुराना नंबर है मेरे पास, वो भी 2 महीने से बंद जा रहा है। तो आपके पास उनका नया नंबर नहीं है क्या? पास नहीं, वो अगर हमारे मुश्ताक भाई का फोन आए तो उनसे ये कहिएगा कि उनकी फर्स्ट कजन प्रिंसिपल मलका जहाँ आई थी तो बस फौरन हमें कॉल कर दे। जी है? बहुत अच्छा, ओके चलो। कहाँ? कहीं भी चलो। वाह दादी वाह, आप तो बड़ी दिलेर निकली, इतना पुराना एड्रेस उठा के चली आई यहाँ पर। अगर हम एड्रेस ना उठा के तो पुलिस कौन को उठा के लेगा? ये भी तो हो सकता है ना कि शाहरुख बच गया हो, उसकी सिर्फ हड्डियां टूटी हो। ये भी हो सकता था कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे देता पुलिस को बदला लेने के लिए। फिर दादी अच्छा अच्छा बोले। लेट मी थिंक ऑफ समथिंग। रुकेगा, वो हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि वो जो पिछला वाला घर है पीछे, वहाँ वो थे मिस्टर मुश्ताक, यहाँ पे हैदराबाद में घनौने कत्ल की वारदात, लड़की ने अपने आशिक को छत से धक्का दे दिया। दादी हाँ, तो आपको क्या धक्का दे दिया तो दे दिया, आप कभी हैदराबाद गए हो हैं? आपको तो पता ही नहीं वहाँ पे कोई लाइन है या इंडियन है, आपने तो वहाँ का कभी रूम ही नहीं देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस करो, लेट्स गो, चले, शाबाश, बाय बाय। टाइम से दादी अब क्या करेंगे हम लोग, किधर जाएंगे?
अब तो एक ही ठिकाना बचा है। अगर परी की फोटो अखबार में छप गई तो? तुम्हारे दादा अब्बा के एक फ्रेंड हैं जो लाहौर में रहते हैं, बस उनकी तरफ चलेंगे। दादा अब्बा के दोस्त, वो कहाँ से याद आ गए? भूले कब थे जो आ गए हैं? चलो उठाओ सामान, वहीं चलेंगे, हमने डिसाइड कर लिया। शाबाश शाबाश, अरे आप, अरे आप ये। चले वैसे तो वेले बैठे मैसेज पढ़ते रहते हो, आज क्या तकलीफ है? क्यों, मैसेज हासिल ना करूं? ये आपके चक्कर लगाने से मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। चक्कर नहीं आ रहे हैं तुम्हें, तुम सिर्फ मुझे चक्कर दे रहे हो। कान पकड़ो। लड़का क्या सोचेगा लड़के के बारे में? लड़का ये सोचेगा कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं है, शुगर तुम्हारी हाई है, दवाइयां तुम वक्त पे नहीं लेते हो। आखिर क्या चाहते हो तुम? चलो मेरी शुगर तो हाई हुई हुई है, आप अपना ब्लड प्रेशर तो ना हाई करें ना। मैं अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ, आपकी नहीं। सांसें मेरी थम जाती है, मैं दीवाना।